हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर दैट इज पार्ट नंबर 8. ओके, तो अब तक हम लोगों ने ना एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रखा है. तो आपको पता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने कैसे रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया. बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं ग्राफिकली, एनालिटिकली. आप पिछले पार्ट्स को देखें, पहले 7 पार्ट्स को देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं. वेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, मैंने पहले भी कहा है. अगर आप वेक्टर अच्छे से सीख जाएंगे तो आप ये समझिए कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज से डील किस तरह से करना है वो आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा. इसलिए वेक्टर सीखें, बहुत मज़ा आएगा. वेक्टर के साथ आप आगे फिजिक्स को बहुत अच्छा मानेंगे, यानी फील कर पाएंगे. तो अब मैं कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने इस पार्ट में आपको बताया था कि हम सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर्स जो है हम ये पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल रखे हैं जो डायरेक्ट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, थियोरी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. तो इसीलिए ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं. थोड़ा सा एक बार हम लोग इनको थोड़ा सा देख लेते हैं. हालांकि ये पॉइंट्स जो हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ अलग रूप में, कुछ अलग फॉर्म में, बट अब हम उनको एक बार समराइज करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना. तो यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ, और हाँ बहुत फास्ट आप इसको नोट डाउन कर लेंगे. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कॉपी में आप एक एक चीज़ जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ आप ज़रूर कॉपी में नोट डाउन करें. और कॉपी बनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कॉपी के आपका आगे मामला सेट नहीं हो पाएगा. तो ये जो मैंने लिख रखा है ना, देखो मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि अभी हमें थोड़े शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं. हम लोग 20 मिनट से 25 मिनट के एक वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो चीज़ें अगर मैं इसको लिखूं साथ साथ तो इट विल टेक 5-6-7 मिनट्स एक्स्ट्रा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 20 मिनट का वीडियो हो एकदम इंटेंस वीडियो हो, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉट्स ऑफ नॉलेज ये आपको दे रहा हो, है ना. तो ये इसीलिए मैंने लिख रखा है, ध्यान देंगे इस पे. क्या लिखा है यहाँ, सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन देम एंड रिजल्टेंट कैन हैव मैक्स, कैन हैव वैल्यू बिटवीन आर मैक्स टू आर मिन. यू नो दैट दिस इज, दीज आर टू वेक्टर्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एंगल थीटा. यू नो दैट रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, so this resultant depends on this theta. So r max तब होता है जब theta क्या होता है, 0 होता है, और r minimum तब होता है जब theta क्या होता है, 180 होता है. As theta increases between the two vectors, the resultant r decreases. We all know this thing. जैसे जैसे ये theta बढ़ता जाएगा फिर resultant जो है, यानी अगर b इधर चला गया तो resultant और कम होगा, b इधर चला गया जैसे 180 degree पे तो resultant minimum होगा. We know these things. Okay, so resultant of any two vector depends on the angle between them, that is theta. That is very simple thing. यहाँ थोड़ा देखें, minimum number of coplanar, coplanar मैंने समझाया था शुरू में, कोप्लेनर कौन करंट, कौन से वेक्टर्स होते हैं, इक्वल अनइक्वल, है ना. मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर इक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक देयर सम जीरो आर टू. मिनिमम कोप्लेनर इक्वल, इक्वल बोला. अगर अनइक्वल लिख देता ना तो अगला पॉइंट है वो, है ना, पर अभी इक्वल बोला. तो आपको सम जीरो करना है, तो ये ए है और इतने ही मैग्नीट्यूड का एक और बी बना दो, और ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट हो गया जीरो. सो मिनिमम कोप्लेनर इक्वल, इक्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ ये पता है क्या, इसमें अगर एक सिर्फ इक्वल को अनइक्वल कर देंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. तो यहां कैसा है, कोप्लेनर को नॉन कोप्लेनर कर देंगे तो भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. यानी सिंपल घुमाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर इक्वल बोल दें, नॉन को भाई, नॉन कोप्लेनर यानी क्या हो गया, ये बोर्ड वाला प्लेन एक हो गया समझो, ये वाला और ये एक हो गया, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, इनका सम तो जीरो नहीं होने वाला भाई, ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना 90 डिग्री वाले. इनका सम होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो इफ देयर आर टू वेक्टर्स बट इफ ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन एंड ओनली देन दे विल हैव देयर जीरो रिजल्टेंट इफ they are equal but at an angle of 180 degree. वो एक बहुत important part है. Okay, so minimum number of coplanar equal vectors required to make their sum 0 are 2. कम से कम दो vectors चाहिए तब 0 होगा. फिर minimum number of coplanar unequal, coplanar है unequal है, vectors required to make their sum 0, to make their sum 0 is 3. बिल्कुल कैसे होगा सर, कैसे होगा, देखो भाई बहुत सिंपल है. दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, एंड हियर वी हैव अ रिजल्टेंट आर. दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी.
तो यहां आप देखोगे अगर, तो आप क्या कर सकते हो, इस r को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस आर, इधर ले आओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि आप क्या करो, माइनस r, यानी आप क्या कर दो सिर्फ इसको a प्लस बी और प्लस माइनस ऑफ r, यानी जो r अभी आपके पास है उसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, यानी कैसा करो, इसको कर दो ऐसा, यानी अगर ये वाला आप देखते हो तो दिस इज माइनस r वेक्टर, यानी a b और माइनस r का सम आपके पास जीरो होगा। यानी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अगर ट्राइंगल लॉ से देखें तो तीन साइक्लिक वैक्टर, तीन कोप्लेनर अनइक्वल साइक्लिक वैक्टर, तीन कोप्लेनर अनइक्वल, अनइक्वल होना चाहिए हाँ, थ्री कोप्लेनर अनइक्वल साइक्लिक वेक्टर हैव देयर सम जीरो, हैव देयर सम, इक्वल नहीं होने चाहिए, साइक्लिक कोप्लेनर अनइक्वल to make their sum zero. So this is again one more thing. Minimum three vectors are required. Coplanar three vectors are required to make their sum zero. है ना? अब यहां से आगे मिनिमम, यानी देखो इससे ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर लेंगे तो सम जीरो नहीं होगा क्या? अरे होगा भाई, पर कम से कम अगर कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर हैं तो कम से कम तीन। फिर कोई बोले सर कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर दो लूं तो सम जीरो होगा क्या? नहीं होगा ना, यहां समझाया ना, कोप्लेनर अगर वेक्टर्स हैं और दो ही वेक्टर्स हैं तो दो इक्वल होने चाहिए, तभी आप उसका सम 180 पे रख के जीरो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम टू इक्वल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, कोप्लेनर इक्वल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर सम जीरो, मिनिमम थ्री अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर सम जीरो, एंड थ्री अनइक्वल नॉन कोप्लेनर। सर कैसे होते थ्री अनइक्वल नॉन कोप्लेनर? कोई नहीं, ये देखो ये हो गया एक, आप इसको यहां से ट्राइंगल लगाओ तो ये तीनों कोप्लेनर साइक्लिक बन गए तो सम जीरो है। अब बोल दिए सर अनइक्वल नॉन कोप्लेनर, ये लो नॉन कोप्लेनर, यहां कैसा बोल दिया अनइक्वल नॉन कोप्लेनर। अब भाई देखो क्या होगा, थोड़ा देखना है ना, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अब भी समझ जाएंगे एक बार में, है ना। ये दोनों मान लो एक प्लेन में, ये तीसरा जो तुम्हारे साइड आ रहा है, दिख रहा है क्या? शायद दिख रहा होगा, ये विजिबल होगा ना, ये दोनों एक प्लेन में, ये तीसरा बाहर आ रहा है तुम्हारी साइड आ रहा है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं तो भी, देखो अगर मैं इसको ऐसा मान लूँ, जैसे देखो ये जो ढक्कन है ना इसको एरो मान लेते, ये एरो ऐसा हो गया, तो जो इसका रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो मैं ऐसा बता देता हूँ, एक पेन और ले देते हैं, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को आपको अब इसके साथ देखना है, इसके साथ तो इनका सम जीरो आता है क्या? देखो इसको लिया और ये जो रिजल्टेंट आया है ना इसको इसके साथ जोड़ दिया ऐसा, ये वाले के साथ, ये वाले का हेड और ये वाले रिजल्टेंट का टेल ऐसा जोड़ा, तो देखो यहाँ कोई रिजल्टेंट आएगा ही आएगा। तो ये जो तीन नॉन कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर है क्या इनका सम जीरो आ रहा है? इनका तो कुछ रिजल्टेंट आने ही वाला है। देखो फिर समझा रहा हूँ, तीन अनइक्वल नॉन कोप्लेनर है ना, थोड़ा मैं क्या करता हूँ इसकी जो ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन यानी हेड मानो सबका, ठीक है, ये हेड मैं ऐसा कर देता हूँ अभी के लिए क्योंकि इधर हाथ में रखा था तो दिख नहीं रहा था। तो ये वाला ट्राइंगल लॉ देखो, ये दोनों ब्लैक वाले पे ट्राइंगल लॉ लगाओ, ये और ये, तो ये इसका रिजल्टेंट बन गया। अब ये रिजल्टेंट जो है वो इसके साथ मुझे ऐड करना है, तो फिर से यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाना इसके साथ, तो मैं क्या करूँगा इसको ऐसा कि ऐसा शिफ्ट कर दूंगा, ऐसा आ जाऊँगा यहाँ तक, जब मैं यहाँ तक आ जाऊँगा तो फिर देखो यहाँ से अब इसके इसके हेड से इस वाले के टेल तक एक और रिजल्टेंट बन जाएगा, देखो ऐसा दिख रहा होगा। तो जब ये रिजल्टेंट बन जाएगा तो जीरो हुआ क्या? ये नहीं हुआ, यानी इसका मतलब क्या है कि तीन अनइक्वल नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता, तीन अनइक्वल नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सम जीरो नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, तो लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल नॉन कोप्लेनर, अनइक्वल नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक देयर सम जीरो आर फोर या इज फोर। कम से कम चौथा एक और वेक्टर आपको, वो जो मैंने बताया था ना जो रिजल्टेंट आ रहा है, फिर उसको ट्राइंगल लॉ लगा के कुछ ऐसा बनाया जाए कि भाई वो जो रिजल्टेंट है उसी की जगह एक वेक्टर पहले से प्रेजेंट हो, तो वो रिजल्टेंट के बराबरी का वेक्टर अगर पहले से प्रेजेंट है उससे अपोजिट, तो वो उस रिजल्टेंट के साथ जीरो कर देगा। तो चार चाहिए कम से कम, मिनिमम फोर, मिनिमम फोर, फोर अनइक्वल नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर सम जीरो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा इनको ध्यान रखोगे तो आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब जो है आई थिंक कितना मिनट हो गया है, ये
बट फिर भी हमें सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखना है इस पार्ट में, है ना। तो मैं बताता हूँ सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, आप जल्दी जल्दी इसे नोट डाउन करें फिर मैं इसे मिटा दूंगा। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज शोन, ठीक है। हमने ले लिए कोई दो वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर बी एंड दिस इज आर वेक्टर ए, ठीक है। समवेयर वी हैव टू वेक्टर्स। अच्छा, ऐसे किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाई टू गो विद दिस सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, क्यों पढ़ते हैं सर सब्सट्रैक्शन, एडिशन पढ़ते हैं तो ठीक है, एडिशन पढ़ते हैं चलो ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट को दूसरे डिस्प्लेसमेंट से ऐड करना है, एक डिस्प्लेसमेंट को दूसरे वेलोसिटी से तो ऐड नहीं कर सकते, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। एक वेलोसिटी को दूसरी वेलोसिटी से ऐड करना है, वेक्टोरियली डायरेक्शन से अलग अलग है तो एडिशन काम आ रहा है। एक फोर्स को दूसरे फोर्स से ऐड करना है, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड करना है, तो भाई वेक्टर की जरूरत है। बट व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्शन, व्हाई वी नीड सब्सट्रैक्शन, भाई सब्सट्रैक्शन, मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द चेंज इन एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इन एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सर ये तो बहुत भारी लिख दिया है आपने, क्या लिख दिया है समझ में नहीं आया क्या लिखा है ये। हाँ हाँ, सिंप्लीफाई करते हैं, डोंट वरी। टू फाइंड चेंज इन एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल है, अगर यू वॉन्ट टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा वी। अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो चेंज निकालना है तो आपको पता है डेल्टा वी इज वी डेल्टा वी, चेंज का वेक्टर फॉर्म, दैट इज वी टू वेलोसिटी का वेक्टर माइनस वी वन वेलोसिटी का वेक्टर। आप यहां देख सकते हो चेंज का मतलब यहां साइन आ रहा है सब्सट्रैक्शन, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जहां भी कभी आपको चेंज निकालना है किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में तो आपको फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सट्रैक्शन की, बहुत ज़्यादा हमें उसकी नीड है। तो इन दिस वे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इस पर ध्यान दें। तो अब हम लोग ये बात समझें कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना, देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बोल रहा हूँ मिटाते समय बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी का क्या काम है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज़ नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन ही डिफाइन करोगे तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा ऊपर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको चेंज निकालना पड़ेगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का चेंज का मतलब ही है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब तक आप चेंज फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तब तक आप उस फिजिकल क्वांटिटी को नहीं डिफाइन कर पाओगे जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और सर इसके अलावा क्या है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं बता देता हूँ। आपको पता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के अंदर आपने फोर्स को जब डिफाइन किया था तो आपने एक उसका लॉ लिखा था, उसमें आपने कहा था सेकेंड लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज आ गया फिर से, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप अगर जाओगे अंदर फिजिक्स में, जब हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज निकालना पड़ता है, और वो चेंज तभी आएगा जब आपको सब्सट्रैक्शन पता होगा। बस तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वापस मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि भाई ये एक है वेक्टर ए और दिस इज़ सम वेक्टर बी, वही वाले वेक्टर ए और वेक्टर बी लिए हैं मैंने, ठीक है, उन्हें बना दिया इस तरीके से, थोड़ा वेक्टर बी छोटा था इस केस में तो हम इसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है। सो मैं ना सब्सट्रैक्शन को बड़े अच्छे से समय रिप्रेजेंट करता हूँ, पूरा दिखाऊंगा, ग्राफिकली दिखाऊंगा कि a प्लस बी क्या होता है और a माइनस बी क्या होता है। देखो ग्राफिकली बना के दिखाऊंगा मैं।
पहले तो मैं ए प्लस बी दिखा देता हूँ, हमने जो पढ़ रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ एक पैरेललोग्राम है उसे कंप्लीट कर दो एंड लाइक दिस, आपने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, सो दिस इज यू कैन से दिस इज द रिजल्टेंट दैट इज आर वेक्टर दैट इज सम दैट इज ए प्लस बी एंड दिस कंप्लीट इज द लेंथ ऑफ ए प्लस बी. नाउ मैंने ग्राफिकली ए प्लस बी तो रिप्रेजेंट किया, ये देख भी चुके आप लोग, है ना. और अब जो हमारा रिजल्टेंट है आर डैश, मैं इसको आर डैश बताता हूँ, और ये होगा आर डैश वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी, और ये जो आर डैश है दैट इज नथिंग बट वैक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वैक्टर बी. यानी आपको सिर्फ क्या करना है, ए में माइनस बी को अब ऐड करना है, ए में आपको माइनस बी को ऐड करना है, ए में माइनस बी को ऐड करना है. थोड़ा एक और ध्यान समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि इनके बीच का एंगल थीटा ही है. ए बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी, ए और प्लस बी के बीच का एंगल ही देख रहा हूं मैं, वो है थीटा. बट अब ए में किसको ऐड करना है आपको, एक्चुअली ए माइनस बी निकालने के लिए ए में माइनस बी को ऐड करना है. ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करना है, ए में माइनस बी को ऐड करना है. बट माइनस बी कहाँ मिलेगा मुझे, ये अगर प्लस बी है तो इससे अपोजिट मुझे माइनस बी मिल जाएगा. यानी यहाँ ये होगा माइनस बी वेक्टर, ये होगा माइनस बी वेक्टर. शायद थोड़ी लेंथ ज़्यादा है तो देख लो उतना ही होना चाहिए, इतना तो इतना थोड़ा कम है, ठीक है थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है. तो दिस इज माइनस बी वेक्टर. अब ये जो माइनस बी वेक्टर है तो हमें ए और माइनस बी इसके बीच का रिजल्टेंट चाहिए. अब रिजल्टेंट चाहिए तो फिर से ए और माइनस बी को पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो. मैं थोड़ा सा इसको ना, ये जो लिखा हुआ हमने इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें फिगर के लिए अच्छी खासी जगह की ज़रूरत है. तो दिस इज ए माइनस वैक्टर बी इज नथिंग बट वैक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी. तो दिस इज आर न्यू रिजल्टेंट, है ना, दिस इज आर That is a plus b and this is r dash that is a minus b. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे. पहले तो यहां से ये बना दिया हमने, दिस इज अगेन वैक्टर b माइनस वाला, और ये वाला जो हमारे पास वैक्टर है दिस इज वैक्टर a. नाउ a माइनस b यानी यहां आएगा ये वाला वैक्टर. देखो मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूं, थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझें. दिस इज द रिजल्टेंट आर डैश वैक्टर. एंड यू कैन सी कि जो ए प्लस बी है ये ए माइनस बी है आर डैश. आप एक बात समझ सकते हैं कि अब एक बात और है, हमें ए और माइनस बी को देखना है. तो ए और माइनस बी के बीच में, अब हमने ए को किसके साथ ऐड किया, माइनस बी के साथ, तो उसके साथ यहाँ एंगल कुछ तो भी है थीटा डैश, यहाँ कुछ तो भी है एंगल थीटा डैश. अगेन अगर आप थीटा डैश की वैल्यू को देखें तो आपको पता चलेगा थीटा डैश इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा. आप फिर से इस बात को समझ सकते हैं कि जो थीटा डैश है दैट इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा. अब अगर मुझे आर डैश के लिए भी वैसे ही फॉर्मूला रिजल्टेंट का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ic भी कॉस थीटा लाना है, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा, आर डैश का मैग्नीट्यूड अगर ले लूँ मैं, सिर्फ इसको वैक्टर में ना लिखूँ तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ वैक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, बी का स्क्वायर. तो बी जो है वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर ले रहे हैं हम, और प्लस ट्वाइस ए बी. किसी किसके दिमाग में आएगा सर यहाँ माइनस साइन लगा दो ना, भाई ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए ये भी बी और ए का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो वैसे भी उसमें कोई साइन नहीं लगेगा, इंटू टू ए बी कॉस. अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल कौन है, तो वह है थीटा डैश. तो यहां लिखना पड़ेगा आपको थीटा डैश. अब अगर आपको थीटा डैश लिखना है तो आपको ये पता चलता है कि कॉस ऑफ थीटा डैश, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा विच इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा. ये ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, कॉस ऑफ थीटा डैश इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बिकॉज थीटा डैश इज 180 माइनस थीटा. सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. इसको उठा के यहां रख दें तो जो रिजल्टेंट है सब्सट्रैक्शन वाला मॉड ऑफ ए माइनस बी की जो वैल्यू है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, अब ये माइनस कॉस थीटा, यानी क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ आएगा माइनस 2ab cos थीटा.
देखना बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं, ये थीटा वही एंगल है जो ए और बी के बीच का है, ये थीटा वही एंगल है जो ए और बी के बीच का है, ये थीटा वही एंगल है जो ए और बी के बीच का है। हमें अब थीटा डैश से कोई लेन देन नहीं है, जो एंगल ए और माइनस बी के बीच में था, पर अब हमें रिजल्टेंट आर डैश मिल रहा है। अगर आप आर को, आर यानी क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये होता है आर, ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अगर आप कोई दो वेक्टर के एडिशन के मैग्नीट्यूड को उसके सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से कंपेयर करोगे तो फॉर्मूले का डिफरेंस सिर्फ एक साइन का है। अगर सब्सट्रैक्शन देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा है, एडिशन देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। आप देखो, दिस इज एडिशन ऑफ टू वैक्टर एंड दिस इज सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर, दिस इज लेंथ ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, इफ थीटा इज एक्यूट, इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट देखो यहां दिख रहा है आपको, एक्यूट थीटा इज एक्यूट यानी लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, थीटा इज एक्यूट, देन एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, देन आर will be greater than r dash, या mod of vector a plus vector b will be greater than mod of vector a minus vector b। देखो कितनी जबरदस्त बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये वाला vector इस vector से बड़ा होगा magnitude में, obvious है, दिख भी रहा है। तो एक चीज करें क्या सर, और observations बनाए क्या? Acute के लिए बना दिया, perpendicular के लिए भी बना दो, obtuse के लिए भी बना दो, तीन cases बना देते हैं, तीनों में comparison कर डालते हैं फटाफट। देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा, इसको देख लेते हैं तीनों ही cases के लिए। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जो हैं वो फटाफट सोच भी रहे होंगे आगे का कि अच्छा अगर अब हमने थीटा 90 लेके दोनों बनाए आर और आर डैश तो कैसे बनेंगे, और अगर थीटा ऑप्ट्यूस लेके बनाए तो कैसे बनेंगे। तो कुछ बच्चे जो हैं वो फटाफट चालू भी हो गए होंगे इस चीज़ को करना। यहां मैं इसको ही लिख देता हूं, दिस इज, यू कैन से दिस इज केस वन, केस वन व्हेन थीटा इज एक्यूट। यहां मैं लिख देता हूं केस टू व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 का मतलब बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, बोथ आर परपेंडिकुलर लाइक दिस, एंड माइनस बी इधर होगा नीचे की तरफ, माइनस बी वेक्टर, कंप्लीट करो पैरेललोग्राम। सो दिस इज, थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ तो आप भी देख लें, दिस इज कंप्लीट रिजल्टेंट, दिस इज वेक्टर आर, इधर से इसको कंप्लीट करें, सो दिस इज अगेन माइनस बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज एक्चुअली आर डैश, ठीक है, वेक्टर आर डैश। सो यू कैन सी अब इधर दोनों में ही जो थीटा की वैल्यू है वो तो 90 है, सो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और आर डैश भी जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और दोनों ही की वैल्यू कितनी हो गई, इक्वल हो गई, आर इक्वल टू आर डैश हो गया, यानी दैट इज मॉड ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी इफ what theta equal to 90 degree, that is both vectors are orthogonal, both vectors are orthogonal, that is perpendicular। यानी क्या कहना चाह रहे, देखो जरा, अगर दोनों वैक्टर एक दूसरे से perpendicular हैं ए बी, तो उनका सम और डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा, सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। आई कैन से डायरेक्शन तो अपोजिट अलग है, यहाँ इसका डायरेक्शन है, यहाँ इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शंस तो डिफरेंट है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है, बट जो मैग्नीट्यूड है सम और डिफरेंस का, दैट विल बी इक्वल फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर टू परपेंडिकुलर वैक्टर्स द सम ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। सो आई थिंक कुछ समय ज़्यादा हो गया होगा इसका, और इसका क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड वाला केस जो है, केस थर्ड भी कर ही दूँ क्या मैं, कितना समय बचा है, आई डोंट नो कितना समय बचा है,
24 हो गया, अरे तो हमें इसे रोकना होगा। केस थ्री मैं आ रहा हूँ वापस, 5-7 मिनट में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तब तक आप केस थ्री बना के रखें जिसमें ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूस लेंगे। ऑब्ट्यूस के लिए बिल्कुल ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, फॉर्मूले से कंपेयर करें। देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूले का कंपैरिजन है, यहाँ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, फॉर्मूले का कंपैरिजन बनाएंगे। अगले पार्ट में आ रहा हूँ और फटाफट से पार्ट नंबर 9 लेके आते हैं, उसमें आगे की बात करते हैं। चलो थैंक यू।